तो झांसी में पांचवें चरण के नामांकन लगातार जारी और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनाज शर्मा ने वहां पर नामांकन किया। उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। हम लोग झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हुए और आप देख सकते हैं यहाँ पर नामांकन में जो कार्यकर्ता आए हैं वो अनाज शर्मा के समर्थन में और मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र दमेले। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की भारी लहर है और हम लोग 440 सीट से ऊपर जा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी इस बार 5 लाख वोट से चुनाव जीतकर जाएंगे। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में जो सांसद यहाँ से रहे हैं अभी वह है वर्तमान में अनुराग शर्मा, उनको मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या उनके काम के नाम पर? उनको मोदी के नाम पर भी वोट मिल रहा है, उनको योगी के नाम पर भी वोट मिल रहा है। उन्होंने 5 साल में जो कार्य किए हैं इस पूरी लोकसभा में उस नाम पर भी वोट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जीत का दावा भर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार भी झांसी ललितपुर सीट से सांसद अनुराग शर्मा फिर से सांसद बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ रवि प्रयाग, न्यूज़ स्टेट, झांसी।